असल में एक बाइनरी क्रिएट की गई है हमारी सोसाइटी में। आज लोगों को लगता है जब हम बात करते हैं कि ऑप्रेस्ड यूनिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मार्जिनलाइजेशन हो रहा है दलित का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, विमेन का और अल्पसंख्यकों का, तो लोगों को लगता है कि हम बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। असल में हमें समझना होगा, देखिए डेमोक्रेसी में सरकारें बदलनी चाहिए, लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है ना, देखिए सरकारें बदलेंगी तभी एक दूसरे की सरकार बेहतर करेगी, लेकिन अभी के जो आपने हालात की बात की, ये हालात इसलिए ख़तरनाक हैं क्योंकि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को चैलेंज किया जा रहा है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जा रहा है। पूरे देश में एक माहौल है जहाँ पर किसी तरह ये कहा जा रहा है कि असल मुद्दों पे बात ना हो, सांप्रदायिकता की बात हो, कास्ट की बात हो, 2% 4% समाज का जो है डेवलपमेंट हो। तो इस समाज को मैं इस तरह से देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है। आप सोचिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि आज हमारे मौलिक अधिकारों का स्तर यहाँ तक गिर गया है कि लोगों को खाने की चीज़ों पर मार दिया जाता है। आज इसलिए किसी को मार दिया जाता है क्योंकि उसके नाम के आगे खान जुड़ा है। आज देखिए न्यायपालिका की क्या हालात है, चार हमारे एक जजेस को आके बोलना पड़ रहा है सामने। आप देखिए कि अभी स्टेरलाइट उसमें क्या हुआ, मतलब आप वो जलिया वाला था, मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज उस लेवल पे आप नहीं मार सकते थे, तो आपने 10-11 लोगों को मारा। ये 10-11 लोगों की मौत नहीं थी, ये डेमोक्रेसी की मौत थी, ये आइडिया ऑफ जो इंक्लूसिव इंडिया की हम बात कर रहे हैं ये उसकी मौत थी। तो बहुत खतरनाक माहौल है और इनसे लड़ना आसान है। इनसे लड़ना क्यों आसान है, क्योंकि ये जो ताकतें हैं ये सिर्फ 15% हैं। हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं इस देश का 80% समाज रिप्रेजेंट करते हैं। वक्त की ज़रूरत क्या है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। छोटे छोटे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो हमको आरएसएस जैसी ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए नहीं रोक सकती। ये लड़ाई भारत को बचाने की है, ये लड़ाई किसी धर्म को बचाने की नहीं है। जब भारत बचेगा, भारत की गंगा जमुनी तहजीब बचेगी, तभी शायद हम इस देश को उस देश की तरफ ले जाएंगे जिसका हम सपना देखा करते थे। हायर एजुकेशन पे इसलिए अटैक है, आप जब एक दलित, जब एक आदिवासी, जब एक पिछड़ा जब कैंपसेस में आता है तो एक क्रिटिकल अपना माइंड डेवलप करता है, तो वो सबसे पहला सवाल किससे पूछेगा। अगर एक दलित सबसे पहला सवाल पढ़ लिख के उसी से पूछेगा कि ये मनुष्य स्मृति को झंडा बुलंद करने वाले हैं, उनसे पूछेगा कि तुमने मुझे हज़ारों साल से एडुकेशन से दूर क्यों रखा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आज हिस्ट्री को क्यों बदला जा रहा है, क्योंकि इनका हिस्ट्री में कोई योगदान नहीं है। आज जब हम हिस्ट्री पूछेंगे, हम इनसे पूछेंगे अरे आज तो आप नेशनलिज्म का जो झंडा लिए फिर रहे हैं, आपका आज़ादी में क्या योगदान था। तो आज अगर हमारा समाज बदल सकता है, वो समाज जो है वो एडुकेशन के ज़रिए से बदल सकता है। तो ये चाहते हैं डिसेंट ना हो, ये चाहते हैं लोग पढ़ें ना, ये चाहते हैं लोग क्रिटिकल अपना माइंड डेवलप ना करें, ताकि जो अनसाइंटिफिक जो चल रही हैं चीज़ें, देखिए साइंटिफिक टेंपर पर कितना खतरनाक हमला है। इस देश का शिक्षा मंत्री कहता है कि डार्विन की थ्योरी गलत है, इस देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि E=mc², हमने महाभारत में देखा था, इस देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्लेन और इंटरनेट जैसी चीज़ें महाभारत में थी। तो ये ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं कि आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर उन तमाम चीज़ों पर यकीन कर लिया जाए जो नागपुर से आती हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं होने देंगे, और पढ़ने के बाद हम एक उस स्थिति में होंगे कि उन तमाम लोगों का गिरेमान पकड़ के सवाल करेगा इस देश का युवा कि आखिर क्यों हमें एडुकेशन से दूर रखा गया। फिर उन मुद्दों पर बात नहीं होगी जो ये लाना चाहते हैं, फिर मुद्दों पर बात होगी हमारे रोज़गार के, फिर मुद्दों पर बात होगी हमारे स्वास्थ्य के, फिर मुद्दों पर बात होगी हमारे शिक्षा के, और जब इन मुद्दों पर बात होगी तो कम्युनलिज्म भी साफ होगा और इन सरकार के, ऐसी सरकारों के पास जवाब नहीं होगा। इस देश में अगर विपक्ष का कोई रोल अदा करेगा वो इस देश के छात्र करेंगे। देखिए आप आज़ादी का मूवमेंट देखिए, हमारे बड़े हमें लीड ज़रूर कर रहे थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो सड़कों पे होते थे वो युवा होते थे। तो इस देश का युवा हमेशा से एक विपक्ष का रोल अदा करते आया है, लेकिन आज जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर ज़्यादा बढ़ गई है जब विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी कम्युनलिज्म में फंस चुका है। आज इस देश का जो विपक्ष है, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहता है, वो आज मुसलमानों की किलिंग्स पे जवाब नहीं दे पाता। उनको लगता है कि हमारा हिंदू वोट और हमारा जो मेजोरिटेरियन वोट है वो खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन ये कोई हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई ही नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। ये जिम्मेदारी युवाओं पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वक्त की ज़रूरत यह है। मैं आपके माध्यम से इस देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हमें वो देश बनाना है, वो भारत बनाना है जिसके हम सपने देखा करते थे। ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जो नारे गढ़ते हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है, हमें कॉन्क्रीटली काम करना होगा। जो स्टूडेंट्स लीडर्स होते हैं वही असल में लीडर्स होते हैं।
दो तरह के स्टूडेंट लीडर इस देश में, दो तरह से लीडर्स बनते हैं, पहले कैसे बनते हैं कि चापलूसी करके, दूसरा जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज से अपने रजिस्ट्रार का गिरमान, वाइस चांसलर का गिरमान पकड़ के जो एडुकेशन के हक की लड़ाई लड़के आते हैं, तो वो अपने सुप्रीमोस से भी कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ये सारी हिम्मत छात्र राजनीति से आती है, छात्रों से आती है, छात्रों को ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पर आके इस सरकार के खिलाफ लड़ें, ताकि इस देश का जो द आइडिया ऑफ इंडिया है वो सस्टेन रह सके। हमारा देश की बुनियाद ही एक इंक्लूसिव इंडिया के नारे पर रखी गई थी, लेकिन आज जो आज 70 साल के बाद भी, अगर हमें 70 साल के बाद भी इंक्लूसिव इंडिया के लिए एक फिर से कैंपेन चलाना पड़ रहा है, तो ये हमें सवाल पूछना होगा उन तमाम सरकारों से। ये सिर्फ 4 साल वाली सरकार से सवाल नहीं पूछना है, ये हम तमाम 70 सालों में जो सरकारें रहीं उनसे सवाल पूछना है कि आखिर आज क्यों, आज हमारी डेमोक्रेसी इन मेकिंग ही क्यों रह गई, जो सबसे बड़ा देश की डेमोक्रेसी आज वो आखिर खतरे में क्यों पड़ गई। तो ये इंक्लूसिव इंडिया की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस देश की मनुवादी ताकतें चाहती हैं कि इस देश का जो 10% समाज है, वही हमारे देश का डेवलपमेंट का मॉडल क्या होना चाहिए, कि एक जो है पिरामिड बना दें, ऊपर का जो एक छोटा सा समाज है वो ऊपर रह जाए, जो एक बड़ा समाज का तबका रह गया है वो हमेशा हमेशा नीचे रहे। तो इंक्लूसिव इंडिया का मतलब डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम समाज के आखिरी तबके तक, हम समाज के आखिरी तबके, आखिरी लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक इस देश का विकास पहुंचा सकें, अपनी बात पहुंचा सकें, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको सुन सकें। इंक्लूसिव इंडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं इस देश की भागीदारी, अपनी इस देश में अपनी भागीदारी निभा सकें, ताकि इस देश को हम बेहतर बना सकें।